इंडिया के नंबर वन एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से तालीमी याफ्ता डॉक्टर वसीम उलानी दिल के बाईपास सर्जरी के माहिर डॉक्टर है। बच्चों और बड़ों के दिल के तमाम किस्म के ऑपरेशन के माहिर डॉक्टर है, जो अपनी खिदमात गंगा हॉस्पिटल वाड़िया फैक्ट्री शिवाजी नगर में अंजाम दे रहे हैं। इन ऑपरेशन के लिए मरीजों को नांदेड़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब ये ऑपरेशन डॉक्टर वसीम के जरिए गंगा हॉस्पिटल में होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। राज्य के उप मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्राच्या भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाजपचे सवय असल्यामुळे मुंबई भाजपाचे पहिली प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाच्या कार्यालयामध्ये माझी होत आहे, तेवढं थोडस मला एक्सक्यूज करा, आज पहिलाच दिवस आहे। कालच प्रवेश, कालच राजीनामा दिल्यामुळे एकदम स्विच ओवर थोड़ा सा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया है और मैं आभार मानना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर देश के गृह सम्मान गृहमंत्री अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, बावनकुळे जी का, आशीष शेलार जी का, सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे नांदेड़ से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजुलकर जो MLC रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवेश आज हुआ है। मैं आभार मानूंगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की, उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने न्योता दिया और काम करने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है, एक मौका दिया है, उसके मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में, नई शुरुआत जब कर रहा हूँ, तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं, कोई अलग भूमिका नहीं है। जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है तो मैं ना नहीं बोलूँगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है, हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूत भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, मैं आप सबका आभारी हूँ। एक नई शुरुआत है, कुछ गलतियाँ छोटी मोटी होती है तो शुरू शुरू में संभाल लीजिए। मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, मी कोणालाही, हा माझा व्यक्तिगत डिसिजन होता, मी कोणालाही आमंत्रित किंवा निमंत्रित केलं नाही। बाकीचा विषय देवेंद्रजी आणि ते पाहतील काय करायचं, मी काही त्याच्यामध्ये कळस आणतो। अरे बाबा, हॅलो, अरे शांतपणे, असं तुम्ही तुमच्यापैकी कोण काय बोलतोय आम्हाला काही लक्षात येत नाही। आपल्याला जर प्रश्नोत्तर करायचे असतील तर तुम्ही शिस्त पाळली तरच होईल, एका वेळी एक जण एकाने प्रश्न विचारला त्यांनी पुन्हा विचारायचा नाही। असं आहे की राज्यसभेचे अर्ज कोण भरतील कोण भरणार नाही याचा निर्णय केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी करते। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी राज्यसभेच्या आमच्या उमेदवारांची घोषणा करेल,
ती केल्यावर तुम्हाला समजेल. देखिए चुनाव जब करीब आता है तो स्वाभाविक है कि हम उनसे कोई कोऑपरेशन भी तो नहीं कर सकते हैं. ये राजनीतिक जंग है, जंग में उतरने के बाद सब जायज है. वो कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे. तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात है कि जंग शुरू है, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे. देखिए पहला दिन है, मेरे पर गुगली इतनी मत डालिए आप. मैं इतना कहना चाहूंगा, ये काम जो है प्रदेश अध्यक्ष जी बावन कुड़े जी बहुत जोर से कर रहे हैं और देवेंद्र जी का भी उनको साथ है. उन्होंने कभी उनको जरूरत पड़ी तो मैं उनको कुछ गाइड कर सकता हूं. मैं इसका जवाब इतना ही देता हूं कि अशोक राव का की मदद कहां लेनी है हमको पक्का पता है. हम उचित जगह उनकी मदद लेंगे, आप चिंता मत करिए. हाँ 100%. देखिए उनका केवल महाविकास आघाड़ी नहीं, उनका एक प्रदीर्घ अनुभव रहा है तो उनके अनुभव का यानी पॉलिटिकल अनुभव का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का भी फायदा लेंगे. देखिए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहते हैं. सवाल ये है कि किसानों की समस्या है देश में, उसको किस तरीके से हैंडल करना है. राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी सक्षम है, देश के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ लेकर मैं समझता हूँ इसको हल करना चाहिए. आपको याद होगा जो किसानों के 3 कानून बना, अल्टीमेटली सरकार ने विड्रॉ किया, पब्लिक ओपिनियन जानकर उसको फैसला लिया गया. तो मैं नहीं समझता प्रेस्टीज की बात. हम चाहते हैं कि देश के सभी तमाम किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों की आत्महत्याओं को रोक लगाने का कम करने का प्रयास होना चाहिए. और मुझे उसमें जो हो रहा आंदोलन उसमें ध्यान निश्चित देंगे, ऐसी कोई बात नहीं. हाँ उशीरा आला प्रश्न पहला जी आला पाहिजे. अच्छा आया आया. अरे भाई जवाब तो सुनो यार, आप एक आदमी प्रश्न पूछते हो और जवाब भी सुनते नहीं हो. हा प्रश्न हायकोर्टामध्ये आमच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे, अपील मध्ये काही एजन्सीज गेलेल्या आहेत. ठीक आहे, लीगल प्रोसेस जी आहे ती फॉलो होईल. पण हा एक राजनीतिक ऍक्सिडेंट म्हणावा लागेल मला एवढं सांगायचं आहे. आणि आय फेस इनफ ऑफ दॅट. मला वाटतं की फार काही चिंतेचा विषय वाटत नाही. आता नाना पटोलेंना प्रवेश दिलाच होता की नाही आम्ही, राहिलेच ना आमच्याकडे ते. आता त्यांची सवय आहे, ते एका ठिकाणी टिकू शकत नाही, कुठल्या एका पदावर टिकू शकत नाही. आता त्यांना अध्यक्ष बनवलं होतं, ते तिने रस्ते सोडून गेले. तर मी फार गांभीर्याने ते घेऊ नका ते जे सांगतात. नहीं जरूरी नहीं, ऐसा है कि सोच विचार तो चल ही रहा था और मैं देख रहा था अच्छा मुहूर्त है आज का, तो उसने कर दिया उसने. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज को कोई रिजन देना चाहिए. जी आपने बीजेपी में प्रवेश करने का फैसला लिया जी, तो जो अचानक से इतना सा बड़ा टर्न लेना, जी इतना कठिन आसान है. और दूसरा चीज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पार्टी ने इतना सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया, उसके बावजूद आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये विश्वासघात पे पार्टी. देखिए मैं ये दो चीजों के लिए अलग जवाब देना चाहूंगा. सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल कहूंगा. इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी
विचार विमर्श करना पड़ा, ये मैं जरूर कहूंगा कि इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर मी, बट आई टुक इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द इंटरेस्ट ऑफ माई ओन डिस्ट्रिक्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं बोला कि कुछ चीजें अच्छी हो रही तो उसमें अपना योगदान होना चाहिए, पॉलिटिकल भले जो भी चीजें हैं, बट लेट अस गेट इन्वॉल्व इन टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें समय लगा है, इट वॉज नॉट अ वन डे स्नैप डिसीजन, ये मैं कहना चाहूंगा। जहां तक दूसरा इशू है सर, जरूर पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी सच है मैंने भी पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, जिसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ताकत मिली, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इट वॉज नॉट आई एम नॉट मतलब ये मैं पर्सनली ऑब्लाइज हूँ पार्टी के लिए, मेरे पार्टी की लीडरशिप के लिए मैं ऑब्लाइज हूँ, बट अचानक अगर तुम मेरे बौछार कोई चीज की करते हो ये उचित नहीं है। ठीक है, मैंने फैसला किया इंडिविजुअली, मैंने पार्टी को डैमेज करने के लिए कुछ नहीं किया, इट वॉज माई ओन पर्सनल डिसीजन, बट मैंने भी पार्टी में मेरा योगदान क्या है मेरी नेशनल पार्टी जानती है। You were not listened. So you were not listened by your center leadership. That is what being said. And the state leadership. You were also unhappy with the state leadership. Let's not talk about what has happened. We are switching on to a new system now. So I think it's better we discuss another system. ही परंपरा राखली आहे, दुसरी परंपरा होती विरोधी पक्ष नेते महायुतीमध्ये येण्याची, ती पण कायम राहील या ते विरोधी पक्ष नेत्यांना तुम्हाला विचारावं लागेल। आमचा काही एक मी स्पष्टपणे सांगतो, आम्ही कुठलंही टार्गेट घेऊन चालत नाही आहे, पण ज्या ठिकाणी आम्हाला असं वाटतं की हे नेते आपल्यासोबत येऊ शकतात आणि त्यांच्या येण्यामुळे पक्षालाही फायदा आहे, राज्यालाही फायदा आहे, अशा अनेक नेत्यांची आमची चर्चा चालू असते। त्यांना जर असं वाटलं की नाही मुख्यधारेमध्ये आपण गेलं पाहिजे, मोदीजींसोबत गेलं पाहिजे, तर आमचा म्युच्युअल त्याच्यात तो विचार फायनल होतो आणि त्याच्यानंतर प्रवेश होतो। तर हे खरंच आहे की अजून काही नेते आमच्यासोबत चर्चेमध्ये आहेत, नाही असं काही यादी वगैरे हा विषय नाही असा असा काही 14 आमदार आणणार आणि ते वगैरे हे आकड्यांमध्ये आम्हाला जायचं नाही। मी एवढंच सांगतो की जमिनीशी जुडलेले जे नेते आमच्यासोबत येतील त्यांचं आम्ही स्वागत करू। त्या संदर्भात आमचे प्रदेश अध्यक्ष सगळ्यांशी चर्चा करून निर्णय करतील। आपने जिनकी बात की मैं उनको अड़चन में नहीं लाना चाहता, पर उनका भी इंतजार है, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है, पर देखिए अशोक चव्हाण जी दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका रोल क्या होगा इस बारे में केंद्र सरकार के केंद्रीय बीजेपी के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे, क्योंकि अशोक जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये राज्य के लिए तो एक बहुत मजबूती की बात है ही, पर उनका जो कद है वो एक नेशनल स्टेचर का कद है, इसलिए केंद्रीय बीजेपी से बात होकर ही इसका फैसला किया जाए। माझा त्यांच्यावर उलटा आरोप असा आहे की त्यांना त्यांचा पक्ष सांभाळता येत नाही, त्यांना त्यांच्या पक्षात नेते सांभाळता येत नाही, त्यांना त्यांच्या पक्षामध्ये मोठ बांधता येत नाही, कारण कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही। आज हे सगळे मोठे नेते इतके वर्षाची त्यांची त्यांच्या पक्षातली पुण्याई सोडून आमच्यासोबत का येत आहेत, याचं कारण आहे की आज काँग्रेसमध्ये जे वातावरण आहे, आज काँग्रेसमध्ये पार्टी कुठल्या दिशेने चालली आहे हेच कोणाला समजत नाही, आणि भारतीय जनता पार्टीला विरोध करता करता
देशाच्या विकासाला आपण कधी विरोध करायला लागलो त्यांना समजत नाही आहे. आणि मग जे नेते आहेत सीझन नेते आहेत ते ज्यावेळेस दृष्टिक्षेप टाकतात त्यावेळेस त्यांच्या लक्षात येतं की बाबा आपण काय करतोय, आपलं नेतृत्व काय करताय. मग त्यापेक्षा देशाच्या मुख्यधारेमध्ये आपण गेलं पाहिजे म्हणून लोक आमच्यासोबत येतात. त्यामुळे त्यांनी पहिले आत्मचिंतन केलं पाहिजे की त्यांना घर का सांभाळता येत नाही. ज्यांनी काँग्रेस मोठी केली, ज्यांनी आपलं सर्वस्व काँग्रेसला दिलं, असे नेते का आपल्याला सांभाळता येत नाही, असं आत्मचिंतन त्यांनी केलं पाहिजे. माविन हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सीजर, बचपन का इलाज, बचदानी की गांठों के इलाज के अलावा खवातीन के जुमला अमराज के साथ साथ खवातीन और लड़कियों के जिल के अमराज, बाल झड़ना या दिगर बीमारियों के इलाज की सहूलत दस्तियाब है. खवातीन के जुमला अमराज की जांच डॉक्टर खान सारानुद्रत और जिल के अमराज की तशखीस डॉक्टर किरण पेरके करेंगी और डॉक्टर तुबा खान फिजियोथेरेपी जो रोजाना 11 से 2 बजे तक अपनी खिदमात अंजाम देंगी. यस बैंक के ऊपर माविन हॉस्पिटल देखलू नाका नांदेड़. क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दिगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दिगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है. बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.